ऑफिशियली लास्ट डे इन जापान। ओ भाई साहब, ये क्या इतना शाइन क्यों मार रहा हूँ मैं? सूरज थैंक यू, काफी एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए भी, बट जापान को भी मिस करने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा। तो रूम मेरा थोड़ा सा मैसी हो रखा है, बेड वगैरह काफी मैसी है, लेकिन पैकिंग वैकिंग हो चुकी है। आई एम फुली रेडी टू लीव द होटल। वो जो न्यू बैग बाय किया है उसमें सारे स्नैक्स और सुवेनियर वगैरह भर दिए मैंने, बाकी वो तो पहले से ही भरा हुआ आया था। और यहाँ जूते चप्पल ले लिए वो, और पूरा फूल रखा है, फटने को हो रहा है वो। यहाँ की सुबह अच्छी थी, रात को मेरी ऐसी तैसी हो जाती थी, मेरा गला खराब सा हो जाता था और वो स्वेलो करते वक्त दर्द होता था बस। बड़े बड़े पंगे हुए हैं भाई रात को। तो थैंकफुली यहाँ पे मैंने हीटर यूज कर लिया, वहां पे मेरे को पता भी नहीं था ये एसी में हीटर है उनके। जब भी रात को आता था रूम वगैरह क्लीन मिलता था, हालांकि वो पैकेज में था, बट स्टिल आई एम रेडी। ये वाला रूम काफी अच्छा था मेरे टोक्यो वाले रूम से। ये दो बैग ले तो लिए मैंने, दुनिया भर का बोझा हो गया। पर हम बुलेट ट्रेन हो प्लेन हो, लंबी राइड में किसी व्हीकल पे कर ही नहीं सकता, चक्कर आने लग जाते हैं, सर घूम जाता है मेरा, फोन चला नहीं सकता, फूड खा नहीं सकता, सीन खराब है यार। 3.5 घंटे की राइड करने के बाद अब मेरे को 90 किलोमीटर और जाना है नरीता तक, उसके बाद वहाँ पे है मेरा होटल। चलते हैं, अभी और राइड करनी है, अब सीधा वहीं मिलूंगा। नरीता पहुँच गया भाई, अब बस अपने गेस्ट हाउस जाना है। शाम हो गई मेरे को यहाँ पहुँचते हुए, वैसे पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया। ये है मेरा रूम आज रात के लिए, लगेज यहाँ पे आया है। बहुत ही भूल भुलैया सी है ये, अपने शावर रूम है, ये रहा मैं। ये देखो अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए ये भी है, यहाँ पे आके घुल मिल के कर सकते हैं। ये बहुत स्मॉल है, यहाँ पे मेरा वो आया ही नहीं, छोटे वाला भी नहीं आया, बड़ा तो छोड़ो। ये कितने प्यारे लगते हैं आर्मर के सेट वगैरह, कितना सही लग रहा है। प्राइवेसी के हिसाब से तो ठीक है, कर्टेंस वगैरह ढक लो अपने, और अपना बेड भी ठीक है, रात का जुगाड़ कुछ ऐसा बैठा है। ये देखो मेरे होटल की गली कितनी छोटी है, वो मेन रोड है, वहाँ से आया था मैं। यहीं पे एक वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, विच इज़ नाइस। यहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर मोस्टली लोग ना ये वाले घर को एयरपोर्ट के लिए लेते होंगे, क्योंकि 400 मीटर के बाद ही मेट्रो स्टेशन शुरू हो जाता है, वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाओ। मेरा प्लान तो खैर यही है, लेकिन हाइट और लो वाले रोड हैं यहाँ, देखो जैसे टेढ़े मेढ़े से हो रखे हैं, वहाँ पे भी जैसे वो नीचे को जा रहा है अब। फिलहाल मैंने सुबह सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक पी थी, तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, भूख लग रही है भाई। पहले ये खाता हूँ, थोड़ा सा मन शांत होगा, उसके बाद रात ही होने वाली है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या करूँगा फिर। यहाँ पे अभी तो रात भी नहीं हुई है, और ये देखो शटर्स वगैरह बंद भी होने लगे। इस दुकान से मैंने ये डरुमा डॉल ले ली, पर ये रही सुविनियर्स के लिए अच्छी होती है, ये ले ली मैंने। ये देखो कितना डीप नीचे, बहुत, मैं कह रहा था ना गलियाँ नीचे ऊपर है, यहाँ पे बहुत मून निकल गया है अगर दिख रहा हो तो इसमें। जापान में रात के टाइम बड़ा सही फील आता है, नॉस्टैल्जी नॉस्टैल्जी ऐसा। देखा है आधा मास्क भी कितना बुरा लगता है। देखो वाइब कितनी बढ़िया सेट हो जाती है रात के लिए, ये लाइट्स वगैरह जब जल जाती हैं, ये लैंप से जल जाते हैं ऐसे वाले। अभी मेरा जो दूसरे वाला सूटकेस है ना, उसमें थोड़ा सा और वेट बचा है, 5 kg है वो, मैं 8 kg तक ले जा सकता हूँ। तो सोच रहा हूँ थोड़ा और स्नैक्स वगैरह ले लूँगा आसपास से। ये जगह इतनी पीसफुल लगती है ना, रात को आराम से ना गेड़िया मार लो, यहाँ पे घूम लो फिर लो, श्राइन पे मत्था टेक लो। अरे ये तो हमारे यहाँ का मेला लग रहा है, नहीं फेस्टिवल पे जैसा होता है, या फिर एनिमे के फेस्टिवल में जैसा होता है। कितनी शाइनी सी लग रही है स्टोर अब। यहाँ का सीन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, देखो मार्केट सारी बंद सी हो गई यहाँ, और अभी शाम हुई है, सारे शटर डाउन हो गए, अभी सब खुले पड़े थे। वाह भाई, अरे ये देखो कितने सिक्के फेंके हुए हैं, ये शाइनी सिल्वर पार्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मछली के अंडे हैं, सिक्के हैं सारे। ले नीचे गिर गया वो, ले भाई उछल उछल के वहां गिर रहे हैं देखो। किसी को ऐसे पैसे बर्बाद करते देखा है? ये एक और 5 का है, कम ऑन।
अरे वाह भाई, मैसिव स्ट्रक्चर है ये तो। कितना सही लग रहा है, अंधेरा सा होने लग गया भाई अब तो। ये किसी एनिमल जैसा नहीं लग रहा, टर्टल जैसा लग रहा था वो। ये देखो मेरे को एक शॉप में क्या मिला, डोरा केक्स है ये, और फिर मैंने थोड़े से पीनट्स ले लिए ब्लैक पेपर वाले। मैंने बोला था ना आसाही काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो आज ये भी ले रहा हूँ मैं। भाई अभी पता है क्या हुआ, मैं कन्वीनियंस स्टोर पे था और वहाँ पे ना एक नेपाली गर्ल थी, वो काम कर रही थी, तो मैं उससे ना ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ करके उसे सुवेनियर के बारे में पूछ रहा था कि सुवेनियर है कोई यहाँ पे मैं जो ले जा सकूँ। तो बहुत टाइम कंफ्यूज रहने के बाद उसने मेरे से पूछ लिया, आपको हिंदी आती है? मैंने कहा ले तेरे को हिंदी आती है? कह रही हाँ मैं नेपाल से हूँ। और उसके बाद मैंने सुवेनियर पूछा तो यहाँ पे कुछ खास तो मिला नहीं, मैंने वही छोटी मोटी चीज़ें एक कॉफ़ी पाउडर वगैरह और ये सब ले लिया, बाकी ये आसाही ले ली, ट्राई मारता हूँ कैसी है, फिर अंदर चलते हैं। मैं अपने गेस्ट हाउस के बाहर ही बैठा हूँ, अब अंदर जाके भी क्या करूँगा, पहले पी लेते हैं। मैं बिल्कुल अल्कोहलिक नहीं हूँ, पता नहीं लोग कैसे अडिक्ट हो जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, इतना गंदा टेस्ट है यार, इससे बढ़िया तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी लूँ कोई। कमाल की बात तो ये इतनी कड़वी है, ये डिफरेंस का कैसे पता लगे कि हाँ भाई ये असाही है, वो सपोरो थी, मुझे तो सेम ही लग रही हैं सारी जितनी भी आज तक पी हैं ओकेजन्स पे। इस गली को देखो, ऐसी वाइब बन रखी है जैसे रात के 11-12 बज रहे हों, 6 बजे हैं अभी, अंधेरा हो रखा है पूरा। सिर्फ रात काटनी है यहाँ, उसके बाद सुबह सुबह 6 बजे ही निकल लूँगा मैं। जब मैं आ रहा था ना वो फ्लाइट भी छूट जाती मेरी, भाई बची गया, इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, पर कल जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। गुड मॉर्निंग फेलस, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, वही गले की बीमारी। वेल सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं तैयार हूँ एयरपोर्ट के लिए, मेरी फ़्लाइट 11:30 की है, लेकिन मैं जल्दी पहुँच के थोड़ी टेंशन फ्री हो जाना चाहता हूँ। मैं नहाया वगैरह भी नहीं हूँ, मैं बस फ्रेश हुआ और अब निकल रहा हूँ, मुँह हाथ धो के, ब्रश भी नहीं किया मैंने, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल। और ऊपर से मैं, मेरा मन नहीं कर रहा बैग वैग खोलने का, ऑनेस्टली मैं थक चुका हूँ बैग खोल खोल के। हाइकिंग कर रहा हूँ लगेज के साथ, ज़रा ये देखो मैं कितना हल्ला मचा रहा हूँ जापान के किसी गाँव में सुबह सुबह 7 बजे। भाई एयरपोर्ट तो पहुँच गया हूँ, लेकिन चेक इन अभी शुरू ही नहीं होगा, 8:30 बजे होगा, मैं तो 2 घंटे पहले आ गया, 2 घंटे तो नहीं पर स्टिल, अब वेट करने में ना बहुत टाइम लगता है, चाहे 1 घंटा वेट करो तुम लगेगा बताएं जन्मों से वेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी बगल में काउंटर है तो अब रिलैक्स हूँ थोड़ा सा। नाउ आई एम फ्री, आई कैन इन्जॉय, अभी 2 घंटे हैं बोर्डिंग में। और सुवीनियर चेक के लिए मेरे को रोक लिया था, मेरे पास ना एक की चेन थी सॉर्ड जैसी दिखने वाली, तो उन्होंने उसके लिए रोक लिया था, खोला देखा अरे तो की चेन है, रख दिया, कह रहे थैंक यू ओके। ये देखो भाई यहाँ पे ना मसाज चेयर्स रखी हैं, तो ये 200 येन में 10 मिनट। मेरे पास बहुत सारे जापनीज कॉइन पड़े हैं, मैंने सोचा व्हाई नॉट। ऑनेस्टली बताऊं भाई अब तो गर्मी लग रही है मेरे को, सुबह सुबह इतनी ठंड लग रही थी, जैकेट मफलर सब पहन रखा है, अब लग रही है गर्मी बहुत गंदी। वो भी यार यहाँ का सिक्योरिटी चेक कितना आसान था भाई, इंडिया में तो भाई सब खुलवा लेते हैं, सारी चीज़ निकाल, सारे चार्जर, एक एक केबल, सब कुछ भाई। आओ ट्राई मारते हैं ज़रा इसे, बढ़िया है ये चीज़ तो यार, पता है ऐसा लग रहा है मेरे को ना आगे धकेल रहा है ये, पीछे वो 2 गोले से चल रहे हैं। पूरा रिमोट जापनीज भाषा में, कैसे पता चले कहाँ पे क्या सिंबल्स तो बने हैं। खैर पैर वाला करता हूँ, अरे भाई भींच दिए, ओहो ये देखो ये पैर मैंने हिला रहा, ये हिला रहे हैं, सही है टाइम पास करने के लिए। क्लाउड्स देखो जरा कितने, वो लाइन देख रही है कितने बढ़िया लग रहे हैं, सही है मेरे आसपास कोई नहीं बैठा, मैग्नेट लग रखे है इसमें देखो। ये पानी लाया था पी लेते हैं। ओहो चल दिए भाई, बोर्डिंग चालू हो गई, हम चले घर। 7 घंटे यार कैसे बिताऊंगा मैं, मेरे पास मोशन सिकनेस है, मैं मूवीज भी नहीं देख सकता। विंडो सीट है अपनी तो थोड़ी सी राहत है। ऑल राइट गाइज, बैग ले लिए, 10 घंटे की थकान भरी फ्लाइट के बाद फाइनली मैं इंडिया पहुंच चुका हूं।
भाई फ्लाइट में बहुत सारा ऑरेंज जूस पी लिया था बहुत बार, इसीलिए मोशन सिकनेस ने परेशान नहीं करा मुझे, थैंकफुली इजीली यहाँ पे आ गए विदाउट यू नो सर दर्द वगैरह हुए। अब बस कैब लेनी है और घर जाना है eventually. अरे कैसे वो अभी पहचाना, इसने पहले पहचाना ही नहीं था। कैसे 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 कैसे